हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। मेरा नाम दशरथ और मैं आज आपको मेरी बाइक अपाचे आरटीआर की फिटिंग को दिखाता हूँ। तो चलिए जाके देखते हैं। यह है अपाचे आरटीआर का पूरा लंका वाला नक्शा, पूरी तरह से खुल गया है। और देखिए, यह है मेरा अपाचे का पार्ट्स। मैं इसको सबको जोड़ूंगा और अपने बाइक में फिट करूंगा, दिखाता हूं आप लोगों को। और मैं भी इसमें टंकी फिट करूंगा, सबसे पहले दिखाता हूं आप लोगों को। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो होल फिटिंग वाला आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूं। अभी देखिए टंकी को मैं कनेक्ट किया हूं और कैसे दिख रहा है गाड़ी। ये अभी इसका पीछे वाला जो बैकलाइट है उसको फिट करूँगा, तो मैं दिखाता हूँ कैसे फिट करूँगा। ये है पीछे के पार्ट्स जिसको ही मैं कनेक्ट करूँगा, इसको असेंबल करूँगा और अपनी गाड़ी में डालूँगा, तो देखते हैं। बैक साइड का फिटिंग करने के लिए थोड़ा सा मुझे परेशानी हुआ था और इसके लिए दो आदमी की आवश्यकता पड़ती है। और दो आदमी हम अगर हैं तो फिर असेंबल आसानी से हम कर सकते हैं। और मैं असेंबल अपने भैया के साथ किया और इसको अंजाम दिया। फाइनली मैं इसको मेरे भैया की सहायता से कंप्लीट कर लिया हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको अपनी गाड़ी के पीछे साइड में डालूँगा, तो ये जाकर करते हैं और देखते हैं। फाइनली मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ, सो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ। और अगर आपको किसी स्थान विशेष को हाईलाइटेड करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस एरिया का वीडियो बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। फिलहाल मैं अभी बाइक की फिटिंग कर रहा हूँ और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ। यह है दो की पार्ट्स जो सबसे पीछे सिंक की तरह दिखता है, अभी मैं इसको लाऊंगा। ये देखो टंकी और बैक साइड का लाइट वगैरह लग गया है, तो कैसे दिख रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए भाई लोग, कैसे लग रहा है गाड़ी मेरा? अभी आधा अधूरा सेट हुआ है, देखिए। अभी हेडलाइट लगेगा फिर तो तबाही दिखेगा। ये देखिए इस तरह सामने का जो हेडलाइट है इसका पार्ट से, और मैं अभी इसको असेंबल करूँगा और आप लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं असेंबल करते हुए। कितने लोग अपने अपने बाइक का खोल फिटिंग कर लेते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक भी कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी बाइक डेंटिंग पेंटिंग हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और मैं पूरा समय यहीं पे दे रहा था। सो प्लीज़ मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं मेरी बाइक का खोल फिटिंग खुद से ही किया, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। बाइक का हेडलाइट में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा क्योंकि इसमें छोटा छोटा पार्ट्स था जिसको मुझे असेंबल करना था, तो मैं असेंबल करके कुछ देर बाद कंप्लीट कर ही लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी देखते हैं आगे। टिड्डा भाई आया है,
गिड्डा भाई मतलब गिड्डा बोलते हैं कहाँ पर गिड्डा गिड्डा बोलते हैं गिड्डा। देखिए मेरा हेल्प करने के लिए आया और ये सामने का हेडलाइट हम लोग साथ में लाए हैं तो देखते हैं। लग जाने के बाद यह है पूरा कंप्लीट होने के बाद देखिए बाइक का लुक। यह है ब्लू पेंटर भाई, हाँ भाई जो इस गाड़ी को पेंट किया है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।